दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ हादसे की खबर है। दिल्ली के वेलकम इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। देर रात दो मंजिला इमारत वहां पर गिर गई है और इस हादसे में दो लोगों की मौत की खबर मिल रही है और एक व्यक्ति जख्मी बताया जा रहा है। बेहद दुखद, बहुत अफसोसनाक हादसे की खबर दिल्ली के वेलकम से। मेघा उपाध्याय हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, यह हादसा कैसे हुआ? देखिए, 2:16 का वो समय है जब कॉल रिसीव किया गया था, जिसमें जानकारी मिली कि दो स्टोरेज बिल्डिंग है जो काफी पुरानी बताई जा रही थी, ओल्ड कंस्ट्रक्शन था और वहाँ पे कुछ काम भी चल रहा था। एक तो पुराना कंस्ट्रक्शन था और ऊपर से उस पर काम चल रहा था, रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसके बाद ये बिल्डिंग जो कि कबीर नगर में स्थित है। मैं आपको कबीर नगर के बारे में बता दूं कि ये इलाका ऐसे भी काफी पुराना है, काफी सटे मकान है यहाँ पर और काफी करीब करीब मकान होने की वजह से और पुराना कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो अभी तक तस्वीरें सामने आई है उसके मुताबिक ये बिल्डिंग गिर गई, जिसके अंदर दबकर दो वर्कर्स जो वहां पर काम करते थे, एक की उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही, वही दूसरी काफी कम उम्र यानी कि 20 साल का था, दोनों की मौके पर मौत हो गई। और एक और जो था जिसको जीटीबी अस्पताल में इस वक्त एडमिट कराया गया है, जिसकी उम्र भी 22 साल बताई जा रही है। हालांकि जानकारी ये भी मिली है कि उसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि अभी तक के तस्वीरों के मुताबिक बिल्डिंग काफी पुरानी होने की वजह से जर्जर हो चुकी थी और ऐसे में काम जो कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा था वो बिल्डिंग संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से अचानक दो स्टोरेज बिल्डिंग दो फ्लोर भरभरा के गिर गई और उसमें दो लोगों की मौत हो गई। बाकी यही जानकारी अब तक सामने आई है। शुक्रिया मेघा आपका इन जानकारियों के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।